मुकुल बाल पैसा में लिखने से पहले वीसी जिसने इस बात का ऐलान कर दिया कि मुजफ्फरनगर के खिलाड़ियों से थोड़ी गलती हुई, चेयरमैन इनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और विजय कुमार जी और आलोक कुमार जी का भी शुक्रिया। बाल पैसा में और रमेश फिर यहां पे लंबा सा क्रॉस, बाल किसी तरह से वाला सेंटर में और हिमांशु फिर यहां पे शिवेंद्र का जोरदार प्रहार और उस तरह से एक और पॉइंट टू अगेंस्ट लव। अगर मुजफ्फर अगर गोरखपुर का नाम इधर लिख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो टीम जिस एरिया में खेल रही है उसी तरह से स्कोरिंग की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत ही जोरदार सर्विस, सर्विस के जरिए अपना इंफरादी पॉइंट, अपना पर्सनल पॉइंट हासिल किया थ्री अगेंस्ट लव। और मैं दिख रहा हूं कि डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब बीनापारा सुफियान भाई मिर्जापुर, ये लोग आजमगढ़ सरामीर के इलाके से आए हुए हैं, इनके साथ और भी जितने लोग आए हैं तमाम लोगों का शुक्रिया, सभी लोगों का हम वेलकम कर रहे हैं बुजुर्गा की सरजमीन पर। और इंशाल्लाह खपड़ा गांव आजमगढ़ में 27-28 मार्च ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनका किया गया है, 27-28 मार्च खपड़ा गांव सरामीर आजमगढ़ ऑल इंडिया वाले बार टूर्नामेंट होने वाला है। फिर यहां पे वाओ वेदपाल अपने लंबाई का पूरा फायदा उठाया मुजफ्फर नगर के इस खिलाड़ी ने और उस तरह से कहा जाए कि एक और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आ चुका है कन्हैया लाल जायसवाल साहब की तरफ से, जो जायसवाल वस्त्रालय के प्रोप्राइटर हैं, हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनकी तरफ से, और कहा जाए कि जब शाम होगी तो बेस्ट कमेंट्री का इनाम भी इनकी तरफ से आएगा। तो शुक्रिया कन्हैया लाल जी का और यहाँ पर जो जायसवाल वस्त्रालय के जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सभी लोगों का शुक्रिया। कमेंटेटरों पर भी दोस्त यहाँ पे इनाम आएगा, शायद वहां पे कुछ छूट दिया जाएगा। दोबारा इनकी महान की मोहब्बत को भी हम सलाम कर रहे हैं कि लगातार अपने जिंदा दिली का सबूत दिया है। बुजुर्गा फर्नीचर का भी शुक्रिया, बुजुर्गा प्रॉपर्टी डीलर का शुक्रिया, जो बीस दशक का इनाम दिया जाएगा वह इनाम तहमीन भाई और सत्ताम की तरफ से दिया जा रहा है। और यहाँ पे काउंटर जोन से बड़ा एक धमाकेदार का हमला, 5-1 सर्विस क्रांति निवेशन फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नाउ सोनो डिफेंडेड बाल सबली और उस तरह से फिर किसी तरह शिविंदर इस मर्तबा दूर ट्राई कर बैठे। अकबर शाह जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। हिमांशु की सर्विस और यहां पे बड़ी ही लाजवाब सर्विस, खिलाड़ी के हाथों को चूमने के बाद सीधा बाल चली गई टेंट के ऊपर, सर्विस पर हिमांशु। हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं बुजुर्गा के इस सरजमीन पर शानदार ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो कि कहा जाए कि स्वर्गीय है मोहम्मद नासे काजी मोहम्मद नासे साहब और स्वर्गीय अब्दुल समद स्मार्क वॉलीबॉल ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का दूसरा दिन करना चाहते थे लेकिन दोस्त कहा जाए बीच में थोड़ा सा टच आउट का इशारा आया भाई सब ना टीम चलो ज्यादा ना तू मैच कवर कर। तो इस तरह से दोस्त यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि खपड़ा गांव प्रधान अरशद उर्फ लल्लू साहब यहाँ पर हैं, अरशद उर्फ लल्लू साहब खपड़ा गांव सरमीर यहाँ पर हैं और कमेंट्री पर इनाम लगा दिया है, इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि विजय कुमार जी अब इनका काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है, तो अमित भाई जरा देख लें कि अरशद उर्फ लल्लू साहब जो सरमीर से आए हुए हैं ये अगर खड़े हैं तो
वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाएगा। ये हिमांशु, और उस तरह से रमेश के हाथों को चूमने के बाद बॉल डाउन होती नजर आई। स्कोर अगर देखा जाए दो आठ सर्विस, बहुत ही अच्छी सर्विस। और ये नवीन बालियान, क्या कहने इस खिलाड़ी के, उम्र इनकी 27 या 28 प्लस, लेकिन फिर भी वॉलीबॉल का जज्बा। और ये रमेश, गुड डिफेंस, अपने बेहतरीन डिफेंस के जरिए एक पॉइंट अपना पर्सनल हासिल कर लिया है रमेश ने। 9-2। नवीन बालियान माइनस बॉल पर बहुत ही खतरनाक हाथों का इस्तेमाल कर दिया है। मुजफ्फरनगर कुछ करना होगा, पहला सेट, लेकिन पहला सेट एक तरफा सेट देखा जा रहा है। 10-2 डिफेंडेड। फिर यहां पर किसी तरह से गुरु ने संभाला रमेश, और ये मुकुल के लिए ब्लॉक का चीरा, और इस तरह से एक और पॉइंट बहुत तेजी के साथ 11-2। सोनू टूस्टर माइनस बॉल नहीं, बल्कि यहां कहा जाए हो, यहां पे सेटर ने ही क्रॉस कर दिया, और इस क्रॉसिंग के बाद 12-2। इस तरह से काम नहीं बनेगा। ये मुजफ्फरनगर, चलो थोड़ा फिर यहां पे बहुत ही लाजवाब नवीन बालियान, जोरदार हिट लगा दिया नवीन बालियान ने। किल्लारों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। बस आखिरी है, दूसरे तीन चलो 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 भाई, तो इस तरह से पहला सेट एनआर ने अपने नाम कर लिया है, और अगला मुकाबला मुजफ्फरनगर, और कहा जाए कि आर्मी कोर लखनऊ।